असल वरम्ला वर्का तो इस्तमाल तो प्रॉपर्टी डीलर्स आरे वाला से मैं बोल रहा हूँ जी एम ये आरेवाला के नवाही एरिया के अंदर ये मेरे पास है। दस एकड़ से ऊपर ज़रि ज़मीन है जिसमें ये डेरा है मस्जिद भी बनी हुई है ये जानवर भी काफ़ी सारे मौजूद हैं अगर कोई जानवर लेना चाहे तो जी मिल्ला नहीं तो जानवर वो नहीं देंगे तो ओवरऑल जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ ये माशाल्लाह वीडियो में बनाने गया था तो भैंस देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल की भैंसें और गाय हैं ये आपके सामने भैंस का दूध दोया जा रहा है आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू कमर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आइंदा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके आप सबसे मजीद गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर बे ज़रूर शेयर करें दोस्त अहबाब में जो ज़मीन लेने वाले हों गायब ऐसे कुछ शौकीन हों ये आपके सामने माशा ओवरऑल डेरा दिखाया जा रहा है तो चूँकि एक्जैक्ट हम इसलिए नहीं बताते कि लोग जो ख़रीदार कम होते हैं जो सीरियस हों और जो दूसरे होते हैं वो ज़्यादा ऐसे बस जो है चश्मे चस्के लेने वाले बहुत से लोग होते हैं तो एग्जैक्ट उसी को हम बताएंगे जो हमसे डायरेक्ट रबता करेगा ठीक है जी तो इसलिए ये भैंसों का बाड़ा और गाय भी इसमें हैं इसके साथ और भी माशाल्लाह सरे ज़मीन आपको नज़र आ रही है तो जो दोस्त अब आप, आप इंटरेस्टेड हों मेरे इनबॉक्स में रब्ता करें दस एकड़ ग्यारह एकड़ तो टोटल टो, टो, टो टो ज़मीन बनती है तो ज़री इंतहाई कीमती ज़मीन है यहाँ ज़मीन का जो ठेका है वो एक लाख साठ पैंसठ हज़ार जा रहा है ठीक है जी तो इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं ज़री ज़मीन के ठीक है तो जिसमें दस एकड़ पंद्रह एकड़ बीस एकड़ सौ एकड़ ठीक है डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ एकड़ तक के काफ़ी सारे ओवरऑल पॉइंट्स हैं जो बड़ी ज़मीनें हैं वो भावल नगर हासिलपुर चिश्तियाँ इस साइड पे हैं ये देखो आपको माशा दिखाया जाए और बाकी जो छोटी ज़मीनें हैं वो आरफ वाला साहिवाल चीचा वतनी इस यानी सौ डेढ़ सौ दो सौ एकड़ से ऊपर जो हैं वो जो है ना वो भावल नगर वाली साइड पे हैं तो माशाल्लाह अच्छी नस्ल की गायें हैं भैंसें भी आपको पता है हमारे एरिया की आरफ वाला कबूला और पाकपतन एरिया में बहुत अच्छी नस्ल की भैंसें और नीली बार की यहाँ गाय मौजूद हैं तो ओवरऑल जो ख़रीदार हैं वो मेरे इनबॉक्स में रब्ता करें तो इसके साथ ही मैं गुजारिश करता चला जाऊँ आपसे कि ज़रि ज़मीनों के लिए या डोमेस्टिक यानी आप देख सकते हैं कि प्लॉट्स और घर कोठियाँ ख़रीदने और बेचने के लिए आप हमसे रबता कर सकते हैं इनशाला इन जो भी हम बात करेंगे वो सॉलिड होगी उसमें किसी किस्म का इबहम नहीं होगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो दो सहबाब हम शेयर करें आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़ दीजिए अल्लाह हाफ़िज